हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे रहो, सेफ रहो। तो गाइस, आज है संडे और संडे का ब्लॉग्स आपको मिलेगा मंडे को, क्योंकि संडे को कोई ब्लॉग्स नहीं आने वाला है। तो आज है संडे और मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है, और सब ठीक है ना? तो चलो मैं आपसे करती हूँ कुछ बातें, क्योंकि मुझे बोलना है बहुत सारे लोगों को थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए, और मेरे बहुत सारे न्यू न्यू फ्रेंड्स बन रहे हैं, और मुझे ढेर सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है, मुझसे फ्रेंड बन रहे हैं, मुझे आइडियाज़ दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं जितना थैंक यू बोलूँ कम है। लोग मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, नए नए यूट्यूबर्स भी मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, तो अच्छा लगता है। हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो एक दूसरे का हम सपोर्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं भी सभी मुझे जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मेरे जितने भी नए नए यूट्यूबर फ्रेंड्स बने हैं उनका भी बहुत थैंक यू मुझे फ्रेंड बनाने के लिए। तो गाइज, आज अभी का ये व्लॉग्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी 2 बजकर नहीं, अभी 2 नहीं बजे हैं, 1:30 बजने वाले हैं। तो बस मेरा सारा काम हो गया है, तबीयत थोड़ी 2 दिन से ठीक नहीं थी, तो इसलिए कोई व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी, और अभी तबीयत ठीक है। जस्ट मैं बस सारा काम करके रेडी हुई हूँ, और मैं आप लोग सबको थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियोस अभी बनाया। और गाइस, थैंक यू सो मच आप लोगों कहा कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, और हम एक दूसरे को यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और देखो, यहाँ बच्चे कर रहे हैं मस्ती। मेरे दोनों बच्चों को अपनी नानी घर में रहना बहुत पसंद है, और इन्हें यहाँ बहुत मज़ा आता है, और दोनों ही जगह इन्हें अच्छा लगता है। ये अपने दादी घर में भी खुश रहते हैं, और नानी बारी तो आते हैं तो जाना ही नहीं चाहते हैं। ये देखो, ये हर्ष ने बनाया है अपना घर, और यहाँ ये तीनों बच्चे मिलकर खेल रहे हैं, आपस में खेलते रहते हैं बच्चे, हमें नहीं तंग करते थोड़ा भी, तो अच्छा लगता है। बच्चे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ इन लोगों ने बनाया है, देखो ये सोफ़ा रखा हुआ है, और सोफ़ा को किस तरह से इन लोगों ने देखो बना लिया है अपना घर। और ये देखो, हर्ष अंदर जाते हुए आपको दिखा रहा है, ये देखो हर्ष जा रहा है अंदर, और आपसे कुछ कहेगा भी। तो आप ही लोग इसके सवाल का जवाब दे देना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये देखो, हर्ष बोल रहा है मम्मा बहुत स्पेस है, आप भी आ जाओ। तो ये देखो, हर्ष कर रहा है मस्ती दोनों बहनों के साथ। यहाँ इन दोनों भाई बहन सब कोई मिलकर बहुत खेल लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, आपस में मिलजुल कर खेल लेते हैं, लड़ाइयाँ भी नहीं करते, तो अच्छा लगता है। और इन दोनों को देखो, ये लोग कहाँ जा रही है, तो बस इनकी हो रही थी मस्ती। और अब हर्ष आपसे क्या कहता है सुनो। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा ये छोटा सा घर? तो आप सब बता देना कैसा लगा। ये देखो, ये अंदर जाके फिर से दिखा रहा है। तो बस इसी तरह से हो रही है इनकी मस्ती। और आज मैंने बनाया था पनीर पकौड़ा, और तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पनीर पकौड़े कैसे बनाती हूँ। मैंने इसमें, ये देखो, ये बेसन घोला है, कुछ भी नहीं डाला है, बस ये बेसन है और नमक है और पानी। कंसिस्टेंसी आपको ऐसी ही होनी चाहिए, ये देख लो, बेटर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और ये पनीर को मैंने पतले पतले काट लिया है, क्योंकि पनीर थोड़ी सी थी, बस पनीर को किसी भी तरह से ख़त्म करना था, क्योंकि ज़्यादा दिन होने से ख़राब हो जाती। तो ये देखो, और आगे आगे अब देखते जाना मैं कैसे डालती हूँ। ये तो मैंने पनीर पकौड़ा तलते हुए दिखाया है, और आगे आगे आप वीडियो में देखना मैं पनीर को कैसे डालती हूँ कढ़ाई में। मैं हाथों से नहीं डालती हूँ, मुझे हाथों से डालना अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो, ये पकौड़ा बनकर मेरा रेडी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करके। तो ये इस तरह से फ्राई करने हैं पनीर पकोड़े, बहुत टेस्टी लगते हैं गाइस। और पनीर पकोड़ा सभी कोई को अच्छा ही लगता है, और पनीर वैसे भी हेल्दी है शरीर के लिए, तो पनीर हमें वैसे भी खाने ही चाहिए, बट तला हुआ तो नहीं खाना, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो और खाली पनीर अगर आप खाते हो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। और फ्राई फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम लोग ज़्यादा
फ्राई फूड नहीं बनाते हैं और मेरे मायके में तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। मेरे ससुराल में ही सभी को फ्राइड किया हुआ आइटम पसंद है, मेरे मायके में बहुत कम चलता है। यहाँ जब मैं आती हूँ तभी थोड़ा बहुत भाभी बनाती है हम लोगों के लिए। तो ये देखो, इसमें आपको डालना है चाट मसाला, बट मेरे पास चाट मसाला नहीं था, तो देखो मैंने क्या डाला है। मैंने डाला है जलजीरा पाउडर, और पहली बार जलजीरा पाउडर डालकर मैंने पनीर पकौड़े खाए और मुझे इतने टेस्टी लगे, मुझे ही नहीं मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, पापा को, सभी को बहुत अच्छे लगे। इसका टेस्ट चाट मसाला जैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंट नहीं है। बट हम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर चाट मसाला नहीं है तो जलजीरा पाउडर है तो वो डाल सकते हो। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, सभी ने शौक से खा लिया। और मेरा भाई तो बोल रहा था लेट से खाऊंगा खाना, बस पनीर पकौड़ा देखने के बाद उसने भी खा लिया। और ये देखो, इसी तरह से मेरा पनीर पकौड़ा बनकर रेडी हो गया था, तो सुंदर लग रहा है ना। चलो अब मैं दिखाती हूँ कि मैं पनीर कैसे डालती हूँ। तो ये देखो, आपको पतले पतले स्लाइसों में पनीर को काटना है और इस तरह से बेसन के अंदर डाल दो, एक साथ जितना भी आप डाल सको। तो ये देखो, और इसके ऊपर लगाओ बेसन, और स्पून की हेल्प से ही, यानी कि चम्मच से ही मैं डालती हूँ फ्राई करने। ये देखो, इसी तरह से आपको डालना है। ऐसे डालने से क्या है ना कि हाथ भी आपके गंदे नहीं होंगे और फ्राई करने में भी आराम होगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही डालती हूँ, मुझे हाथों से डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखो, ये इसी तरह से आपको डाल देना है। तो आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा गाइस किस तरह से डालना है। तो फिर मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से लो और इस तरह से डाल दो, और बिल्कुल भी नहीं फैलता है। आप देख सकते हो कढ़ाई में कहीं भी आपको नहीं फैला है, बहुत अच्छे से ये देखो डल जाता है। और एक साथ आप जितना आपकी जगह है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो ये देखो, इसी तरह से मैं बेसन के घोल में ये पनीर के पीसेस रख दूँगी और बस स्पून से डालते जाऊँगी और फ्राई करके देते जाऊँगी। और गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।